please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अनुराग ढांडा और भैया जी कहिन में आप सबका स्वागत है। भैया जी कहिन में आज एक गर्म मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, और वो गर्म इसलिए क्योंकि कुछ आवाज़ों को दबाने की कोशिश हो रही है, ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भैया जी कहिन में आज का हमारा सवाल कि क्या रेप के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश हो रही है, और आज ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं उसे समझने के लिए ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। में जब ये लोग जाते हैं इसके पेरेंट्स, तो पुलिस कहती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, भारत माता की जय नारे लगाने वालों आप सुन लो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक मिनट, नहीं, जनता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम हमें तो लड़ने दीजिए। साथ ही साथ मुझे पुलिस वाले अनऑफिशियली बता रहे हैं कि सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि अनशन तुड़वाओ, फिकवाओ। 4/6/2017 जब विधायक कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, सती सिंह हमको उनके घर लेके गए थे, जब हमारे साथ गलत काम कर रहे हैं, हमने इसका विरोध किया तो हमको धमकी देने लगे कि और किसी को बताओगे तो पूरे परिवार वालों को मरवा के फेंकवा दूंगा, हमारे पापा को बहुत। कौन कहता है, कौन कहता है? तो आपने देखा लगातार उठते हुए ये सवाल कि क्या रेप के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश हो रही है, यही आज का हमारा सवाल है। आप ट्विटर हैंडल पर जाकर के वोट कर सकते हैं, और प्रोग्राम के अंत में हम आपको बताएंगे कि जनता की राय क्या है, और यहाँ कनॉट प्लेस में जनता की क्या राय है उससे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, क्या वाकई में कोशिश हो रही है कि रेप जैसी जो घटनाएँ हो रही हैं उनके खिलाफ जो बोले उसकी आवाज़ दबा दो? सर, आवाज़ तो शुरू से दबती रही है, इसमें कौन सी नई बात है? आप 4 साल पहले देख लीजिए, 5 साल पहले देख, जब निर्भया कांड हुआ तब भी तो बात दबाई गई थी। क्या वोटर कहने तब यूथ पे नहीं छोड़े गए थे? तो यूथ को तो हमेशा दबाया जाता है, और ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, आज संबित पात्रा बोल रहे तो थे, कुछ बदला नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं कभी बदल ही नहीं सकता, कभी नहीं बदल सकता है? आप जनता को लगता है कभी कुछ बदल नहीं सकता? आपको लगता है वाकई में जो जिस तरीके से आवाज़ें उठ रही हैं रेप के खिलाफ, उनका भी विरोध हो रहा है, उनको दबाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है आपको लगता है? तो अभी तक तो ये आप किसे ढूंढ रहे हैं? अपने पिताजी को सर, मुझे यहाँ 1.5 साल हो गए खड़े हुए, और 1.5 साल से रेगुलर ही आ रहा हूँ यहाँ पर, कोई अभी तक पता नहीं है। तो अगर कहीं कोई सूचना हो, देखें कोई, तो इनके पिताजी के बारे में इनको जानकारी दें, ये बता रहे हैं यहाँ पर। और तमाम जनता अपने अपने मुद्दे लेकर के जगह जगह भटकती है, टकराती है तमाम सत्ता के लोगों से, सिस्टम से टकराती है। और जो मुद्दा है आज का, उस पर हमारे साथ बहस करने के लिए राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से, उसके बाद हमारे साथ सोहा मोइत्रा जी मौजूद हैं क्राई से, जो आज हमको ये आंकड़े बताएंगे, रीजनल डायरेक्टर हैं क्राई की, ये आंकड़े बताएंगे कि बच्चों के खिलाफ किस तरीके से ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। दिलीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, संजय अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से, अंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं, इन मुद्दों पर काम करती रहती हैं, और नवीन कुमार बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, नवीन कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन जी, क्या वाकई में ये, अभी आपने सुना भी कि जनता भी यही कह रही है कि आवाज़ तो अभी भी दबाई जा रही है, कुछ बदला नहीं? अब तो अनुराग भाई, देश के अंदर सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हमारे समय से, अब वाले समय में मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए किसी की भी आवाज़ दबाई जाए संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आवाज़, इस मुद्दे पर ही सहमति ले लेते हैं सबकी, कि आप कह रहे हैं आवाज़ दबाना संभव नहीं है, ये तो कह रहे हैं आवाज़ दबाना संभव नहीं है, क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, दब नहीं सकती आवाज़, दबाई नहीं जा रही है? देखिए, आज जिस तरीके से भी तत्कालिक घटना घड़ी है उन्नाव की, उन्नाव में इन्होंने बहुत दिनों तक उस व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं लिखी, उसकी बेटी के साथ में क्या घटना घटी, उसको आदमी को मार दिया जान से, और उसके बाद आप देखिए कि पुलिस ने कोई भी आप अपना विषय आएंगे आपके पास आएंगे, नवीन जी सही कीजिएगा, दुरुस्त कीजिएगा जानकारी, वो कह रहे हैं रिपोर्ट तो लिखी गई, रिपोर्ट कब नहीं लिखी? बाद में लिखी गई,
जब वो मीडिया ने, चैनल ने, आप जैसे लोगों ने उनकी हेल्प करी, सबने दिखाया कि ये कांड हो गया है, एक बलात्कारी बाहर घूम रहा है, उसके फादर की हत्या कर दी, तब बहुत दिनों बाद उसका केस जो है अब ये सीबीआई को दिया गया, उसको लास्ट में कितने दिन तक दबाया गया, लेकिन दे दिया ना सीबीआई को, दे दिया सीबीआई को, आपके वक्त में भी सब ठीक था। इतना देर करने की किसी भी बहन बेटी की आबरू के मामले में, इतनी देर करने की पुलिस प्रशासन को, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश के, ये कहें नवीन जी की देर आए दुरुस्त आए, ये कहें, क्योंकि ये तो बहुत देर हो गई ना, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पहले ऑर्डर कर देते, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार तक नहीं कर सकी, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। पांच लोग गिरफ्तार किए थे 20 जून 2017 को, जिस दिन उसका बलात्कार हुआ बिटिया का, और बलात्कार होने के बाद उसने जब रिपोर्ट लिखी और उन लोगों को 161 और 164 के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए, और उसमें जिन जिन के नाम थे सारे के सारे अरेस्ट हो गए। पहली घटना, दूसरी घटना हुई 3 अप्रैल को, जिसमें की मारपीट, छोड़ानी जेल में ही है वो, दूसरी घटना हुई। आपके प्रतिनिधि, आपके MLA वो खुलेआम घूम रहे थे, सीबीआई गिरफ्तार कर पाई उसको। ये कोई समाजवादी पार्टी की सरकार है जो गायत्री प्रजापति मंत्री होकर के बाहर था, और जो है अखिलेश यादव आपके टाइम में कह रहे हैं गायत्री प्रजापति घूम रहे हैं, बार का उद्घाटन करते घूम रहे हैं, बता रहे हैं सुस्ता संस्कार की बात कर रहे हैं, है ना, आज की तारीख में, आज की तारीख देखिए आरोप शुरू हो गए हैं, और ये सबसे खतरनाक बात इन मुद्दों पर कि आरोप शुरू हो गए हैं। मैं आपको इसमें लाना चाहूंगा डिबेट में, ताकि हम आगे इस पे चर्चा कर सकें। क्या वाकई में इतने सारे मामले आप कह रहे हैं कि आप लोगों के आंकड़े क्या कहते हैं, पहले मुझे ये बताइए कि मामले बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या है? आंकड़े बहुत ही गंभीर हैं और आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक तो आप अगर देखिए आंकड़ा, 95% हमारे बच्चों पे जिसके अपराध होते हैं उनको मालूम होता है किसने अपराध किया है। एक तिहाई पूरे इंडिया के क्राइम में एक तिहाई अपराध बच्चों पर होता है। हर 15 मिनट पे हर एक बच्चे पे सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। तो ये एक आंकड़ा इतना गंभीर है जो बढ़ते जा रहा है, और जो बहुत, दूसरी बात जो आवाज़ दबाने की बात है, किस पे अपराध हो रहा है जिसकी आवाज़ ही नहीं है, जो बच्चा बता नहीं सकता अपनी दिक्कत, जो एकदम उसकी कोई आवाज़ ही नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, एक चाइल्ड की एजेंसी नहीं है हमारी सोसाइटी में, उस पे अपराध किया, बच्चों पे अपराध हो रहा है और हर 15 मिनट में हो रहा है। खतरनाक आंकड़े हैं, सिर्फ गंभीर नहीं, खतरनाक आंकड़े हैं राधिका जी। और उस पर जब कोई आवाज़ उठाता है, उस मासूम की फैमिली बैठी हुई थी शो में, और जब उसके बारे में बात करने लगे तो इतना हंगामा होता है कि फैमिली को छोड़ के जाना पड़ता है शो। आप शो छोड़िए, रियलिटी ग्राउंड क्या है, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उस लड़की के फादर को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर आप देखेंगे जो आवाज़ें उनकी न्याय के लिए लड़ रही हैं, आप जम्मू कश्मीर में देखें तो आज सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा ताकि उन लोगों को, वकील को सिक्योरिटी मिल सके। तो इस देश के हालात आज ऐसे हैं कि कोई भी हो, चाहे वो हमारे दलित भाई बहन हो, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, वो आप पर भी सवाल कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी बोला कोई भी हक नहीं रहा, क्योंकि आज सच्चाई ये है कि देश की जनता त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त है, और उनका रोज बलात्कार हो रहा है। लेकिन अनुराग जी, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा उसको नहीं हटाया गया अभी तक, उसको बचा के रखा, भाजपा ने तो चलो दोनों मंत्री हटा दिए, आपने क्यों नहीं हटाया अभी तक? कोई जवाब है? उसकी वीडियो दिखाया किस प्रकार से, सेम उसी जगह बोल रहा है। लेकिन काम चल जाएगा, आरोप प्रत्यारोप से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा? हमने तो कार्रवाई करी, पास्को में मुकदमा दर्ज किया, आपने तो वो भी नहीं किया। लेकिन हालात ये है, जब इनके गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ये कहते थे कि बीबी पुरानी हो जाए, मजा नहीं। अच्छा देखिए, रुकिए, जनता से आवाज आ रही है तो उसको नहीं दबाएंगे, उसका आपका जवाब यहाँ से आना शुरू हो गया तो इनके पास माइक नहीं था जी, बताइए क्या? तो अभी भी पार्टी में, आपने तो निलंबन ही नहीं किया उसको पार्टी से, वो तो अभी पार्टी में है, पार्टी से तो निकाला ही नहीं। सर बाकी बातें बंद करो, इंसाफ कब मिलेगा ये बताओ, इंसाफ कब मिलेगा? देखिए इस सवाल से आप बच नहीं सकते हैं। वो कह रहे हैं कि सेंगर जी अभी भी पार्टी में हैं, उनको निकाल दिया है क्या? संदीप, आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार की वीडियो आई थी बलात्कार करते हुए राशन कार्ड बनाने के नाम पर, निलंबित करके पार्टी ने अपने पास रख लिया। अमानतुल्ला खा की वीडियो आई, उनको अपने पास रख लिया। आपने देख लिया कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा आ गई है, आपने निशाना साध दिया। मैं इंट्रोड्यूस भी कर दूं, अलका लांबा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, ज्वाइन कर लिया है शो इन्होंने भी, आपके पास आता हूं अलका में। अंबर जी, क्या वाकई में स्थिति गंभीर है या आरोप प्रत्यारोप के बीच में क्या आवाजें दबती है? इसी पे तो बात हो रही है नवीन जी, वो कह रही है आवाज उनकी दबा रहे हैं आप, उनको बोलने दीजिए भाई, उनको बोलने दीजिए, वो कह रही आवाज दबा रहे हैं उनकी, बात रख लीजिए। देखिए ये जो खेल चल रहा है अभी आप देख रहे हैं, इसी के बीच में यही राजनीति होती है। राजनीति हर छोटे मुद्दे पे करते आ रहे हैं, हर शाम हर दिन हिंदू मुसलमान होता है, और आज हमारे देश में बेटियों की, महिलाओं की इज्जत और आबरू पे भी राजनीति हो रही है। इतना गिर गया हमारा देश, और
को आज लोग हर मुद्दे को कम्युनलाइज कर रहे हैं। नहीं लेकिन इतना प्रोटेस्ट भी तो हो रहा है, लोग बाहर भी तो निकल रहे हैं। प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन फिर भी वो हिंदू बोल रहे हैं मुसलमान है, मुसलमान बोल रहा है हिंदू है। हम ये नहीं बोल रहे कि किसी बेटी के साथ गलत हुआ है, आरोपी कोई भी हो हिंदू। ये देखिए यहाँ पर ये मुद्दा गंभीर है और इस पर चर्चा में हर आदमी शामिल होना चाहता है। बताइए क्या कहना चाहते हैं जी? 60 साल का कोई सवाल नहीं, अब की देखो ना जो 4 साल में हुआ है। 60 साल और 4 साल में उलझेंगे? 60 साल में रेप जो हुए उनके लिए कोई हिसाब किताब नहीं हुआ? अब का तो देखो सर, अब जो हो रहा है अब उसका तो देखो। अब क्या हो रहा है? जो हुआ, अब जो इतनी घटना घट रही है सर, इतने रेप हो रहे हैं, उसका कौन सवाल का जवाब देगा सर? तो वही हम पूछना चाहते हैं कि उसका कौन जवाब देगा सर? ये नेता किस लिए है? ये नेता किस लिए है भाई? नेता जवाब दे कि नेता किस लिए है जी? दिलीप जी, ये जनता पूछने लगी है कि नेता किस लिए है और इनकी आवाज दबाने लगते हैं। फिर अनुराग भाई, आज से हम स्कूलों में एक छोटी सी कहानी पढ़ते थे कि विक्रमादित्य जो राजा होया करते थे, उनके तालाब में बकरी और शेर दोनों जो है एक साथ पानी पिया करते थे। उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था कि कानून इतना सख्त था कि अगर कोई भी कुछ गलत करेगा तो उसे मौत, सजाए मौत मिलेगी। आज जो हिंदुस्तान के अंदर इतने बलात्कार हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी, और मैं कह रहा हूँ किसी पार्टी का आज जो मुद्दा होना था, आज इसमें किसी पार्टी को अपना पक्ष नहीं रखना था, इसमें ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें सभी पार्टियों को एक होना चाहिए। देखिए मैं मोदी जी को बहुत बढ़िया, सब पार्टियों को एक होना चाहिए, और हम पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते से ज्यादा इंसान होने के नाते आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। अलका लांबा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलका, ये क्या आवाज दबाने की कोशिश हो रही है? ये तो कह रहे हैं कि इससे बेहतर तो पहले कभी काम किया नहीं जितनी भी एजेंसीज हैं। क्या क्या बेहतर काम हुआ है? कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक, जो अभी तक भाजपा के सदस्य, माननीय सम्मानित सदस्य बनकर अभी भी हैं, उनको बचाया गया एक साल तक। एफआईआर कब हुई ये बताएं, जब पूरा देश पूरा देखिए, आप संदीप का नाम लेकर कुलदीप सिंह सेंगर को बचा रहे हैं, शर्म की बात है, शर्म की बात है। कुलदीप कैसे निर्दोष साबित होते हैं? कुलदीप कैसे निर्दोष साबित चाहिए? राशन कार्ड बनाने के नाम पर बलात्कार कर रहे थे मंत्री, और केजरीवाल ने निकाल दिया और अपने पास रख लिया, तो संदीप के ऊपर आरोप लगा के कुलदीप कैसे निर्दोष साबित होते हैं, मुझे ये बताइए। कुलदीप के ऊपर, संदीप के ऊपर लगा 24 घंटे के अंदर पार्टी से भी निष्कासित किया, मंत्री पद से भी हटाया। क्या भाजपा ऐसा उदाहरण पेश कर रही है? ऐसा कोई उदाहरण क्या आप लोग एक उदाहरण पेश कर रहे हैं? पहले किसी भी सत्तारूढ़ दल ने, अनुराग जी ये बता दीजिए कि इतनी सख्त धारा में बलात्कार के मामले मुकदमा दर्ज किया? कभी नहीं किया। जिस दिन ये घट कब किया? और बलात्कार वाले मामले पे तो, बलात्कार वाले मामले पे तो रिपोर्ट आ गई। साक्षी महाराज इन्हीं की पार्टी के हैं और उसके ऊपर कितना बड़ा आरोप था, आज इन्हीं की पार्टी सांसद है और अभी किस तरीके से उन्होंने बियर बार का उद्घाटन किया लखनऊ में, ये सर्वनाश तो उससे सब मुद्दों को बीच में। अनुराग भाई, इसमें मैं कुलदीप सेंगर के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर कुलदीप सेंगर ने अगर प्रचार किया है तो उसको बीच रोड पे, मैं कह रहा हूँ सभी पार्टी मेरे, मैं कह रहा हूँ बीच रोड पे फांसी देनी चाहिए और उसे गोली मारनी चाहिए। लेकिन 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 अगर वो उसके ऊपर जो अगर बलात्कार का आरोप लगा रहे हैं, अगर वो गलत आरोप साबित होता है तो उसके लिए क्या करेंगे? सीबीआई, अब सुनिए सीबीआई की बात। लेकिन कहकर के क्या आरोपियों को बचाने की कोशिश होती है? लेकिन हर चीज में लेकिन लगा करके हम ये सवाल आगे बढ़ाएंगे। अलका, क्या लेकिन लगा करके हर चीज में क्या आरोपियों को बचाने की कोशिश होती है? देखिए बिल्कुल होती है, और कठुआ के अंदर जो कुछ हुआ या उन्नाव में साफ दिखा है कि बीजेपी ने अपने दो मंत्री विधायकों को बलात्कार के आरोपियों को बचाने के लिए जो प्रोटेस्ट था उसमें भेजा, जब उन्हें आप लोगों ने भेजा, वो हमने कहा आप लोगों ने हमने कह रहे कांग्रेस आपके एमएलए भी कह रहे थे कि भेजा पार्टी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद के नाम पे असीमाने सहित कई लोगों को आतंकवादी बना दिया, आज वो बड़ी हो गए कोर्ट से। क्यों कांग्रेस नहीं आएगी इस पे? क्यों नहीं आएगी भाई? आज देश का प्रधानमंत्री भाजपा का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश में, इनके मुख्यमंत्री इनकी सरकार, और पूरा काम विपक्ष पे डाल रहे हैं। आप तो सरकार जी जी बताइए क्या ये कह रहा कि हिंदू आतंकवादी, क्या मुसलमान आतंकवादी बनाने चाहिए हमने? किसने बोला हिंदू आतंकवादी? ये कह रहा कि कांग्रेस, आप बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी बना दिए कांग्रेस ने, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, तो क्या आप मुसलमान आतंकवादी बना के हम यहाँ पे टीम बनाए? भाई आप लोग ये जो बार बार हिंदू आतंकवाद, ये हमने थोड़ी कहा था, ये तो सुशील कुमार सिंधे ने कहा था जो गृह मंत्री है, पी चिदम्बरम ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा, लेकिन जनता तो कह रही है कि धर्म का नाम क्यों लेते हैं आतंकवाद? से पूछो ना जवाब, ये उनसे पूछे कि उनसे क्यों लिया उन्होंने कहा, उन्होंने भगवा आतंकवाद क्यों कहा और संसद में भी कहा? नहीं तो ये जब वैसे मुसलमान भी हमारा भाई है। अनुराग भाई, जिस तरह से अभी आसिफा का
आसिफा के साथ जो हुआ घटना बहुत ही दर्दनीय है, उसके लिए जितनी निंदनीय की जाए उतनी कम है। लेकिन उसके साथ एक बात बताऊं, जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ वोट के लिए, उनको वोट का है, वो आसिफा को याद कर रहे हैं, आसिफा के दर्द के लिए किसी को ही याद नहीं कर रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि आसिफा के लिए जो लोग आवाज उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पार्टियां, मैं कह रहा हूं मैं आप लोगों को एक बार बताऊंगा, हम इस पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन विक्टिम का नाम आप लोग नहीं लेंगे, विक्टिम का नाम आप लोग नहीं लेंगे। गुजरात का चुनाव खत्म गया होगा, करनी सेना वालों की पद्मावत कहां गई? अरे आपके नेता तो ये कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसे कि उसको फांसी की सजा नहीं देते, इनके नेता मुलायम सिंह यादव, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या आपके नेता कह रहे हैं? नहीं ये आप कहने लगे, ये राजनीति करने लगे, अब आप जवाब नहीं दे पा रहे, बताइए। ये कह रहे हैं कि आपके नेता तो कहते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, क्या ऐसी सोच दबाती है इन आवाजों को जो रेप के खिलाफ उठ रही है? आज हमारे युवा नेतृत्व अखिलेश यादव जी के साथ हम काम कर रहे हैं, आज हम अखिलेश यादव जी के साथ कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी ने इस देश के अंदर किसी भी भ्रष्टाचारी को, पुराने नेतृत्व को डिसोन कर रहे हैं, पुराने नेता की बात को डिसोन कर रहे हैं आप, डिसोन कर दे रहे हैं। आज जो भाजपा ने बलात्कार किया है, आपने अपना आदमी अभी तक तो निकाला नहीं पार्टी से, आपने क्या बीजेपी ने आज तक कुलदीप सेंगर को क्या निकाल दिया? अब मुलायम सिंह जी की बात करने लगे, अरे बीजेपी जो आज इसको प्रोटेक्ट कर रही है जिस तरीके से आपके बड़े नेता ने, चलिए हम वापस लौटेंगे हम इसी बहस पर, और पूछ कर रहेंगे, ये जनता से भी पूछेंगे और तमाम नेताओं से पूछ कर रहेंगे कि क्या उन आवाजों को दबाने की कोशिश हो रही है जो रेप के खिलाफ उठती हैं। हेडलाइंस का वक्त है, उसके बाद वापस लौटते हैं।